हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं समा के चावल की खीर। उसके लिए हमें चाहिए आधा केजी दूध, 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम चीनी, 2 टेबलस्पून घी, कुछ किशमिश, कुछ ड्राई फ्रूट ग्रेट करे हुए, कुछ बादाम ग्रेट करे हुए। चलो हम बनाने, पहले दूध को उबाल लेंगे। दूध को उबाल लेंगे, इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे, फिर हम खीर बनाना शुरू करेंगे। इसमें एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। देखिए, एक उबाल आ गया। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। अब बनाना शुरू कीजिए। अब बनाना शुरू करेंगे, 2 टेबलस्पून घी डालेंगे खीर। अब समा के चावल डालेंगे। सवा के चावल डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसको हिलाते रहिए, नहीं तो नीचे लग जाएंगे। अच्छे से हिलाना पड़ेंगे, नहीं तो अब दूध डाल देते हैं। अब इसको हिलाते रहेंगे अच्छे से, धीमी आंच में, जब तक चावल पक ना जाए। जितना इसको हिलाएंगे उतना ही खीर स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। अब इसमें किशमिश डाल दी, अब काजू डाल दिए। अब इसको हिलाएंगे थोड़ा, फिर चीनी डाल दी। बादाम डाल दिए। अब इसको थोड़ी देर हिलाएंगे, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चलो, बन के तैयार हो गई। अब सर्विंग प्लेट में डालते हैं। लो, बन के तैयार हो गई। अब ग्रेट करते हैं इसको। लो फ्रेंड, आप भी बनाना, मेरे को कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को दबाना।